साद भाई 3 दिन स्कूल गया, सिर्फ जस्ट 3 डेज़ नर्सरी क्लास में या प्ले ग्रुप में, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद ये कभी स्कूल नहीं गए, ये किसी कॉलेज में नहीं गए, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। कोई ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं था, जो जिस लोग जिस आम लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं कि ये कुछ पढ़ लिख के सीख ले। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो मैं अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढता। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, इनका नाम है साद बिन हारून। ये हमारे पुराने दोस्त हैं। ई कॉमर्स के सफ़र में जब हम पाकिस्तान में चलना शुरू हुए तो उस वक्त से हम इनको जानते हैं। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है सब लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल ठीक हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सेहत जैसी नेमत से नवाजा है और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं, घर से जाते हैं, क्या करते हैं, जाते हैं नहीं जाते, पेरेंट्स से पैसे लेके महंगी महंगी फ़ीसें दे के साथ सिगरेट पीते हैं और अयाशी करके घर आ जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं करते, या जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ लिख लिया और घर में निकम्मे बैठे रहते हैं। साद भाई 3 दिन स्कूल गए हैं, सिर्फ जस्ट 3 डेज़ नर्सरी क्लास में या प्ले ग्रुप में, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद ये कभी स्कूल नहीं गए, ये किसी कॉलेज में नहीं गए, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। इन्होंने सारा कुछ कहाँ से सीखा? सोसाइटी से। कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं, अपने पाँव से यूज़ करते हैं, कीबोर्ड पाँव से यूज़ करते हैं, सारा काम करते हैं और सारा कुछ इन्होंने सोसाइटी से, यूट्यूब से, वीडियो से, इधर उधर से, लेक्चर से, ऑनलाइन सीखा। और इस वक्त ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। जो लोग भी अमेज़न का काम करते हैं उनको आइडिया होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विस देते हैं। इन्होंने टीम रखी हुई है और टीम जब डीमोटिवेट होती है या किसी पॉइंट पे फंस जाती है तो इनके पास आती है, ये उनको मोटिवेट भी करते हैं और उनको सोल्यूशन भी बताते हैं। साथ भाई, एक तो आपका शुक्रिया कि आप मेरे पास ऑफिस में आए हैं और आप ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा खुद बताइए प्लीज़ कि ये तो मैंने बता दिया कि स्कूल वगैरह आप नहीं गए या 3 दिन गए हैं सिर्फ, आपने ये सारा कुछ सीखा कैसे? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करते हैं, सीखा कैसे है आपने ये सब कुछ? देखिए, मैं जो है वो बचपन से जो है ना मेरे अंदर जो सीखने का स्टेमिना है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं था, जो जिस लोग जिस आम लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं कि ये कुछ पढ़ लिख के सीख ले। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो मैं अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, ठीक है। तो और फिर बड़ी अच्छी मेरी किस्मत थी कि बहुत छोटी उम्र में जो है मेरे जो है वो मेरी लाइफ में जो है वो मेरे पेरेंट्स ने कंप्यूटर लेके आ गए और फिर जो मैंने उसका जो हाल किया, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लोर किया, डीप डाइव किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वहीं से मुझे और भी सीखने की जो है वो मेरे अंदर चीज़ आई, ठीक है। तो फिर मैंने मज़ीद सीखते तो मैं यहाँ सेल्फ एनालिसिस किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और कुछ फिर अपना माइंड भी जो है वो थोड़ा लर्निंग वाला था, तो मैं अपनी फील्ड के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों से बेहतर नॉलेज रखता हूँ। माशाल्लाह, सिर्फ नॉलेज नहीं रखते, अर्निंग भी करते हैं माशाल्लाह। और इन्होंने अभी गेम्स वाली बात नहीं बताई, आप बताएं किस किस गेम का एंड किया हुआ आपने? मैंने नीड फॉर स्पीड बड़ी फेमस गेम थी, ऑल सीरीज का, ठीक है। उसके बाद हिटमैन 3 का मैंने अभी एंड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं वही जो हमें आहिस्ता आहिस्ता और भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपने आप को स्किल्ड कर रहा हूँ। और फिर मैंने मार्केट में मेरा गोल है कि मैंने जो है वो सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटर कहलाना है पाकिस्तान का। ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी देते हैं, बल्कि अगर आप में से कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग की किसी को सर्विसेज चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि साथ भाई से लें। देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, सेहतमंद हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं। इनका भी आपका भी काम देखें, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इनकी जो मुझे मज़े की बात लगी ना, इन्होंने कहा जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंसता हूँ ना, किसी भी पॉइंट पे, अमेज़न का है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, अमेज़न ऑनलाइन है, कुछ भी, कहते हैं कहीं मैं जब फंसता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि अब मुझे नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ये मोटिवेशन तो हमें बड़े बड़े सेहतमंद लोगों में नहीं मिलती, वो परेशान हो जाते हैं। इनकी टीम जब परेशान हो जाती है तो ये उनको मोटिवेट करते हैं, और जब किसी मुश्किल में फंसते हैं तो कहते हैं मुझे नया सीखने को मिलेगा। तो इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। अच्छा, अब आप बताएं कि आप कौन कौन से सर्विसेज, अगर हम डिटेल में जाएं, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लोग आपसे क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं? देखिए, जो मेरी प्राइमरी है ना, जिसके ऊपर मेरा जो ग्रिप है वो टाइट है, वो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर मोर अगर आप डिटेल के अंदर जाएँ तो वो निश्चित आ जाती हैं, ठीक है। अब निश्चित के अंदर आप देखें तो जो मुझे मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं ब्यूटी निश के अंदर काम कर सकता हूँ, फैशन निश के अंदर, होम डेकोर, ठीक है, और भी इस तरह की जो पॉपुलर निशेस हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी निशेस में मैं इजीली काम कर सकता हूँ और करवा सकता हूँ अपनी टीम से। चलें जी, इन निशेस में अगर आपका बिजनेस है कोई ब्यूटी वगैरह में, हाँ, या इन्फ्लुएंसर में अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आप साथ भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, और अगेन मैं वही बात कहूँगा कि ख़ास तौर पे उन लोगों को, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और आवारागर्दी करते हैं, उनको अपने बच्चों को शर्म दिलानी चाहिए। और अगर कोई बच्चे देख रहे हों और वो कुछ नहीं करते तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि अब इतनी महंगाई का दौर है, पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, आपको खुद कुछ करना चाहिए। साद जैसा लड़का अपने पेरेंट्स का सहारा बना हुआ है और जिसने सारा कुछ खुद से सीखा है, ऑनलाइन सीखा है, घर बैठ के सीखा है, अगर आप भी सीखना चाहें तो आप भी सीख सकते हैं ऑनलाइन। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं जी वो ऑनलाइन समझ नहीं आती, अगर साथ को आ सकती है तो आपको क्यों नहीं आती? मैं इसका मतलब ये है कि लोगों की नीयत ख़राब है। हम लोग भी आपकी हेल्प करते हैं, पूरा पाकिस्तान है, लोग हेल्प कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, पेरेंट्स पे बोझ बनने के बजाय और महंगाई का रोने के बजाय उठें, मेहनत करें और कुछ कमाई शुरू करें। साथ भाई, एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहें नेशन को? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले सेल्फ एनालिसिस कर लें अपना, कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बाद अपने गोल सेट कर लें उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद कंसिस्टेंट रहें, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये बहुत बहुत पते की बात है, हम सारा दिन कहते हैं लोगों को, खैर समझ नहीं आती। आई होप कि आपकी बात समझ आ जाए। मैं कहता हूँ कि पैसे चाहिए ना आपको, पैसे आपको मिल जाएंगे, वो दो नंबर तरीके से भी कमाए जाते हैं, आप उसकी फिक्र ना करें, आप अपनी सर्विसेज क्वालिटी की कर लें, एफिशिएंट, फिर कंसिस्टेंट, ठीक है। मार्केट के अंदर आपसे क्रेडिबल पर्सन कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा ये बिल्कुल जो पुराने लोग हैं ई कॉमर्स के, पाकिस्तान में 4-5 साल पुराने, उनमें काफ़ी लोग साथ भाई को जानते हैं, हम इकट्ठे अक्सर सेमिनार्स और मीटअप से भी इकट्ठे होते रहे हैं। तो बस आप लोग भी सीखें, मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू साथ भाई, आपका भी थैंक यू।